नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। तो बीजेपी की तरफ से आज राजभवन मार्च किया गया और ऐसे में बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं और विधायक हैं वो यहां पर पहुंचे। इस दौरान सम्राट चौधरी जब राज्यपाल से मिलकर निकले तो उनका क्या कुछ कहना था, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, हम लोगों ने जगह बना करके आज पूरा भारतीय जनता पार्टी, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नेता सभी लोग हम लोग जाकर महामहिम से मिले और मिलकर हम लोगों ने आग्रह किया है कि महामहिम राज्यपाल महोदय, बिहार में आपातकाल की स्थिति है। बिहार में पुलिसिया गुंडा के अपराधीकरण बिहार में जो हुआ है उसके खिलाफ हम लोगों ने आग्रह किया है कि पूरे मामले की जांच पटना उच्च न्यायालय के सिटिंग जज से कराने का काम कीजिए या सीबीआई से जांच कराने का काम कीजिए, क्योंकि बिहार में लोकतंत्र खत्म हो गया। नीतीश कुमार जी गुंडों के बल पर बिहार में सरकार चलाना चाहते हैं और बिहार में हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की हत्या की गई और हम लोगों ने आग्रह किया है कि जिनके भी आदेश से ये कार्रवाई हुई, चाहे वो मुख्यमंत्री हो उप मुख्यमंत्री हो, सबके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और बिहार में नीतीश कुमार की जो सरकार है ये हत्यारी सरकार है, इसको अविलंब बर्खास्त करने का काम किया जाए। देखिए, हम लोग राजा का जो मालिक होता है उसका जवाब देते हैं, किसी नौकर का जवाब नहीं देते। तो सुना आपने साफ तौर से क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी। साफ तौर से कह रहे हैं कि सीबीआई जांच जो है वो होनी चाहिए जो विजय सिंह की मौत हुई है उसे लेकर। दर्श न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। धन्यवाद।